जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत सोमवार को भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। जयंती को लेकर जैन न्याति नौरे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई आराधना भवन पहुंची, जहां प्रवचन माला का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में हाथी पर सवार यजमान, घोड़ों पर सवार घुड़सवार, नाचते झूमते युवा और सजी धजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज के साथ कई लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का सोमवार को बाड़मेर में 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान सोमवार को शहर में शोभा यात्रा निकालकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई। जैन मंदिरों में मस्तकाभिषेक व अष्ट द्रव्यों से पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में रथ, घोड़े व हाथी के साथ जैन धर्म व भगवान महावीर स्वामी की जीवनी से जुड़ी 22 से ज्यादा झांकियां शामिल हुई। झांकियां अलग अलग संदेश दे रही थी। जुलूस में जैन धर्मावलंबी ने जयकारों से शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा का समापन आराधना भवन प्रताप जी के प्रोल में हुआ। 22 मीटर लंबा धर्म ध्वज आकर्षण का केंद्र रहा। 3 दिवसीय महावीर जयंती के अंतिम दिन सोमवार को जैन ज्ञाति नौरा प्रताप जी की पोल से गौसेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन, जैन श्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश वडेरा तथा ध्वजारोहण किया गया। वही भगवान महावीर स्वामी शोभा यात्रा को ध्वजा दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में युवा संघ बजाते आगे चल रहे थे। युवा घोड़ा पर सवार होकर निकले तो वहीं युवतियां सिर पर रंग बिरंगे साफे पहनकर शामिल हुई। जैन समाज के अलग अलग संगठनों के बैनर भी हाथ में नजर आए। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जयकारे भी लगाई गई। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। महावीर जयंती की शोभा यात्रा में युवतियां व महिलाओं ने 22 मीटर लंबा धर्म ध्वज को लेकर साथ में चली। करीब 35 से 40 लड़कियां व युवतियों ने झंडे को लेकर चली। इसे धर्म ध्वज को गुजरात से तैयार करवा के मंगवाया गया था। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा युवतियां महिलाएं लोग शामिल हुई। इस दौरान डीजे की धुन पर युवा डांस करते नजर आए। लड़कियों व महिलाओं और बच्चों ने महावीर के जयकारे लगाए। माहौल महावीरमय हो गया। जैन मंडल की लड़कियों ने एक ही ड्रेस कोड में नजर आई। शोभा यात्रा में 22 से ज्यादा झांकियां थी। झांकियों में बच्चे अलग अलग वेशभूषा पहनकर भगवान महावीर के अलग अलग संदेश दे रहे थे। झांकी में पंचशील सिद्धांत लिए बच्चियां बैठी थी। बच्चियों के हाथ में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संदेश दे रहे थे। महावीर स्वामी की जयंती पर सोमवार को जैन ज्ञाति नोहरे से जैन श्री संघ बाड़मेर के तत्वाधान में महोत्सव समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सोमवार सुबह ध्वजारोहण के पश्चात जैन ज्ञाति नोहरे से रवाना होकर कर्मुजी की गली, महाबार मार्ग, विद्यापीठ, ढाणी बाजार, पीपली चौक, जवाहर चौक, पुरानी सब्जी मंडी, गांधी चौक, अहिंसा सर्किल, रिखबदास जैन मार्ग, कल्याणपुरा, तेरापंथ भवन होते हुए आराधना भवन पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। यहां साधु साध्वी भगवंतों ने मांगलिक प्रवचन हुए। इस दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाली झांकियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।